हे गाइस, आप लोग देख रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच 2 डे 2 हाइलाइट्स। ये जो है ये गेम प्ले है क्रिकेट 19 का, ये एक्चुअल जो है हाइलाइट्स नहीं है। तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत ही मजे का एंड पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस वाला गेम प्ले हो जाता है। तो लेट्स बिगिन। एंड इसी के साथ जो है यहाँ पे एक कैच छूट गया यहाँ पे फील्डर से, बहुत ही अच्छी शॉट है जिंक रेहाने की। एंड इसी के साथ रेहाने के 101 हो चुका है डे टू के स्टार्टिंग पे। एंड हिज नेक्स्ट बॉल जेम्स एंडरसन करने लगे हैं रविंद्र जडेजा को, और यहाँ पे ऑफ साइड पे खेलना चाहते थे, इनसाइड एज लगा, यहाँ पे बॉल रेस अवे टू द बाउंड्री, और यहाँ पे एक बाउंड्री मिलेगी टीम इंडिया को। और नेक्स्ट बॉल पे जेम्स एंडरसन दोबारा से आ रहे हैं, लेट्स सी। और एक काफ़ी अच्छा बाउंसर किया यहाँ पे, बिल्कुल रीड नहीं कर सके बैट्समैन। एंड द न्यू बॉल हैज़ बीन टेकन हेयर, और यहाँ पे न्यू बॉल ले ली गई है। एंड हेयर वी गो, सो ही इज बेन स्टोक्स करेंगे अजिंक्य रहाणे को बॉल, यहाँ पे ड्राइव की और फील्डर ने पकड़ ली। एंड द नेक्स्ट बॉल बेन स्टोक्स दोबारा से बॉल करने आ रहे हैं, और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इस दफ़ा काफ़ी अच्छा सॉलिड यहाँ पे डिफेंस किया बैक फुट पे जाके, और नेक्स्ट बॉल इज़ अ यॉर्कर, और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला, गैप में है, बिल्कुल दो फील्डर्स के दरमियान में से खेला, यहाँ पे बाउंड्री शायद ना मिले क्योंकि फील्डर्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से भागते हुए आ रहे हैं, और थर्ड रन के लिए रन ले रहे हैं। एंड यस, 3 रन यहाँ पर ले लिए हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पर टीम इंडिया खेल रही है। 316 for 5। एंड बेन स्टोक्स अपने ओवर की लास्ट बॉल कर रहे हैं, एंड हियर वी गो इज़ ओके। काफ़ी शॉर्ट लेंथ पर बॉल की थी उसको, यहाँ पे जो है फ्लिक किया यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने 4 रन के लिए। सो शॉर्ट ब्रॉड इज इन टू द अटैक, ब्रॉड करेंगे रेहाणे को बॉल, लेट्स सी किस लेंथ पे करते हैं, काफ़ी लेजेंडरी बॉलर हैं। और ड्राइव लेंथ पे बॉल की, ड्राइव भी किया बॉल को, एंड ही विल गेट अ बाउंड्री एज वेल, बहुत ही शानदार शॉट, 4 रन, और ऐसी ही बैटिंग चाहिए। और यहाँ पे ड्राइव की, रन आउट का चांस, एंड यस आई थिंक सो इट्स आउट, लेट्स सी, अंपायर थर्ड अंपायर के पास गए हैं, एंड ओके इट्स गॉन, ओ दैट इज़ अ बिग विकेट, मेरे ख्याल से आउट है बल्कि कंफर्म आउट है, इट्स आउट, डेफिनेटली इट्स आउट। एंड टीम इंडिया को पहला झटका आज के दिन का लगेगा सेकेंड डे का, सो ये एक विकेट मिल गई है। यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मेरे डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लो, और इसको लास्ट पे देखना, लास्ट पे जो है मैच काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंग्लैंड की काफ़ी सारी विकेट्स गिरेंगी, स्पॉइलर दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब जो है टीम इंडिया जो है जडेजा बैटिंग पे हैं, और दोबारा से फ्लिक किया और दोबारा से बाउंड्री, वाओ, मतलब इतना बड़ा गैप दिया हुआ है, इस लेंथ पर बॉल करने का तुक नहीं बनता, लेकिन कर रहे हैं तो फिर बाउंड्रीज तो मिलेंगी यहाँ से। ब्रॉड आए दोबारा जडेजा को, लेकिन इस दफ़ा फ्लिक नहीं किया, इस दफ़ा किया है फुल शॉट, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइल से, एंड ही विल गेट अ बाउंड्री एज वेल, बहुत ही अच्छी शॉट थी, मतलब बहुत ही अच्छी टाइमिंग थी। यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक, भुवनेश्वर कुमार आए हैं पानी पिलाने, और दोनों बैट्समैन पानी पी रहे हैं, एंड हिज ड्रिंक ब्रेक, एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है मैच में। अभी जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एंडरसन हैं अटैक के अंदर, लेट्स सी हाउ ही विल बॉल टू रविंद्र जडेजा, जडेजा इज़ ऑन स्ट्राइक, एंड बहुत ही अच्छा, बट बहुत ही अच्छा यहाँ पे सॉलिड डिफेंस किया यहाँ पे। और यहाँ पे इस दफ़ा ईशांत शर्मा ने हिट लगाई है, मेरे ख्याल से ये कैच होगा, नहीं ये बाउंड्री मिलेगी, यस डेफिनेटली 4 रन यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बाउंड्री मिली। और यहाँ पे स्टुअर्ट ब्रॉड दोबारा से अटैक के अंदर आ गए हैं, विकेट लेने की कोशिश करेंगे ब्रॉड यहाँ पे जडेजा की, लेट्स सी किस लेंथ पे बॉल करते हैं, फुल लेंथ पे की, बाउंसर किया, और जडेजा ने बहुत ही अच्छा पुल किया यहाँ पे इसको 6 रन के लिए आउट ऑफ द ग्राउंड, बहुत ही अच्छा छक्का था ये। और ब्रॉड दोबारा देखते हैं इस दफ़ा क्या लेंथ करते हैं, क्या बॉल करते हैं, और इस दफ़ा जाने दिया बॉल को, लीव किया, बहुत ही अच्छा लीव, मैं कहूँगा काफ़ी समझदारी से खेला क्योंकि बाउंड्री लगा चुके हैं इस ओवर के अंदर। और इस दफ़ा वोक्स ने बॉल की, और जडेजा ने आगे बढ़ के हिट लगाई है फॉर अ बाउंड्री, यस 1 बाउंस ओवर द फेंस फॉर 4 रन्स, बहुत ही अच्छी, सही तरह टाइम नहीं हुई बॉल, थोड़ा सा बैट के ऊपर लगी, नहीं तो ये 6 भी लग सकता था, लेकिन बाय द वे समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो एक बाउंड्री मिलेगी टीम इंडिया को, एंड जो रूल जो है फील्ड को सेट करते हुए, इस दफ़ा जडेजा ने दोबारा से डाउन द ग्राउंड खेला, एंड अगेन 1 बाउंस 2 बाउंस एंड 3rd बाउंस ओवर द फेंस,
एक और बाउंड्री स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बहुत ही सीधा इनको शॉट खेल रहे हैं जडेजा, बिल्कुल जो है ना सेट नहीं होने दे रहे यहाँ पे क्रिस बॉक्स को। इस दफ़ा बेटर शॉट थी, बेटर टाइमिंग थी और बेटर प्लेसमेंट थी बिल्कुल दो फील्डर्स के दरमियान में से, सीधा गैप फंड किया था क्रिस बॉक्स। अगेन इनटू द अटैक एंड दिस टाइम अ प्लेड ऑन द लेग साइड एंड इट विल बी ओनली अ सिंगल, यहाँ पे सिंगल मिलने वाला है। और क्रिस बॉक्स जो है इस दफ़ा ईशांत शर्मा को बॉल करेंगे, कोशिश करेंगे ईशांत शर्मा की विकेट लेने क्योंकि जडेजा की विकेट लेनी काफ़ी मुश्किल हो रही है। काफ़ी अच्छी बॉल, आउट स्विंग, कैच लगा और कैच, ईशांत शर्मा कट करना चाहते थे बॉल को लेकिन बॉल जो है वो आउट स्विंग हुई और काफ़ी ज़्यादा स्विंग हमें देखने को मिला और यहाँ पे विकेट मिली इंग्लैंड को। काफ़ी देर से विकेट की कोशिश कर रहे थे, रिहाने के बाद आज के पहली विकेट, दूसरी विकेट गिरी है, यानी रिहाने के बाद तो पहली मतलब आज के दिन की दूसरी विकेट मिली है यहाँ पे टीम इंग्लैंड को, बहुत ही बड़ी विकेट। मोहम्मद शमी आए हैं बैटिंग करने, या मोहम्मद शमी, तो अब देखते हैं क्या करते हैं। जडेजा ऑन स्ट्राइक और बहुत ही अच्छा स्कूप, काफ़ी स्मार्ट बैटिंग कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, मेरे ख्याल से फील्डर रोक लेंगे बॉल को। वाकई ये चौका हो गया, मैं समझा कि शायद रोक लेंगे। ओके नेक्स्ट बॉल, ओके अगेन इट्स गॉन, सो टीम इंडिया इज ऑल आउट ऑन 399 ऑलमोस्ट 400, सो देखते हैं इंग्लैंड क्या करते हैं। तो इंग्लैंड को भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी अगर इस रन को इन्होंने चेज करना है या लीड देनी है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है इंग्लैंड के लिए भी। सो हेयर इज़ टीम इंग्लैंड कमिंग टू बैट, सो यस रोरी बर्न्स, ईशांत शर्मा बॉलिंग पे हैं और पहली बॉल करेंगे ईशांत शर्मा, काफ़ी ख़तरनाक बॉलर माने जाते हैं। काफ़ी अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉलिंग ईशांत शर्मा, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं और ये भाग गया ईशांत शर्मा और काफ़ी अच्छी आउटस्विंग, बॉल पड़ के बाहर की तरफ निकला। तो अभी तक तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ईशांत शर्मा और मुझे उम्मीद है कि ये ऐसी ही अच्छी बॉलिंग करते रहेंगे क्योंकि एज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आउटस्विंग कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं अपनी इस लाइन एंड लेंथ के ऊपर जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इस दफ़ा लेग साइड पर खेल लिया, बाउंड्री शायद ना मिले, टू रन ज़रूर मिलेंगे यहाँ पर टीम इंग्लैंड को। और ईशांत शर्मा, लेट्स सी के अगली बॉल किस लेंथ पे करते हैं, इस दफा इन स्विंग कर रहे हैं और यस लेग साइड पे खेला लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर इस दफा खेला रोडी बर्न्स ने और काफ़ी अच्छा ओवर जा रहा है फिलहाल क्योंकि इस दफा आउट स्विंग है और इस दफा फिर से वहीं फील्डर के पास, मिड ऑन पे फील्डर के पास खेल लिया रोडी बर्न्स ने। सो द नेक्स्ट ओवर जसप्रीत बुमराह इज हियर, बुमराह देखते हैं क्या यॉर्कर वगैरह करेंगे या नहीं करेंगे। और पहली ही बॉल यॉर्कर की कोशिश, अच्छी कोशिश थी, सिंगल लिया यहाँ पे जेसन रॉय ने, तो बहुत ही अच्छी बैटिंग। इंग्लैंड 3 विदाउट अ विकेट और इस दफ़ा आउट स्विंग कर रहे हैं बुमराह, देखते हैं कितनी अच्छी आउट स्विंग होती है। इतनी ख़ास मूवमेंट बुमराह को इस एंगल से नहीं मिली वरना काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं बुमराह। इस दफ़ा इन स्विंग करेंगे, इससे मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो है ना बॉल अंदर आएगा काफ़ी ज़्यादा। यस डेफिनेटली इस दफ़ा फील्डर नहीं थे मिड ऑन पे, यहाँ पे सिंगल ज़रूर मिलेगा। दूसरे रन की कॉल और दूसरा रन भी बहुत ही आसानी से हासिल किया। और काफ़ी अच्छा लीव यहाँ पे रोरी बंट का, वो भी जानते थे कि बैट्समैन जो है किस तरह खेलना चाह रहा है। और इस दफ़ा एज लगा और ये बॉल बाउंड्री तो नहीं होगी, यहाँ पे टू रन इजीली मिलेंगे एंड यस तीसरा रन लेना चाहते थे लेकिन उसके बाद उनकी कॉल दी, बहुत ही अच्छी बॉल कलेक्ट की कीपर ने। बुमराह इज अगेन इनटू द अटैक, लेट्स सी इस दफ़ा कैसी बॉल करते हैं। 30 रन विदाउट अ विकेट एंड स्ट्रेट टू द फील्डर, अगेन जसप्रीत बुमराह, लेट्स सी हाउ ही बॉल्स दिस टाइम एंड अगेन जस्ट अ डॉट बॉल, बहुत ही अच्छी बॉलिंग और बहुत ही अच्छी बैटिंग, काफ़ी समझदारी से बैटिंग कर रहे हैं बैट्समैन यहाँ पे, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे टीम इंडिया को यहाँ पे। और यहाँ पे इसी के साथ लंच हुआ चाहता है एंड दे बोथ आर गोइंग फॉर द लंच एंड आफ्टर द लंच रविंद्र जडेजा इज इन टू द अटैक। मेरे ख्याल से स्पिनर्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल जो है उनका होगा विकेट लेने में, सो यस रविंद्र जडेजा इज गोइंग टू बॉल, सो यस ही इज़ द फर्स्ट बॉल आए रविंद्र जडेजा और ये काफ़ी अच्छी बॉल लेकिन उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीप किया
और यहाँ पे फील्डर्स के दरमियान से बॉल को गैप फंड किया और यहाँ पे तीसरे रन की कॉल एंड इजिली थर्ड रन भी मिल जाएगा। यस एंड 64 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। बहुत ही अच्छी बॉल, काफ़ी अच्छा यहाँ पे बॉल शेप हुआ, अंदर की तरफ आया और मोहम्मद शमी इस दफ़ा बॉलिंग कर रहे हैं। लेट्स सी कि उनको क्या विकेट मिलती है। काफ़ी अच्छी बॉल, गैप में खेला, यहाँ पे बाउंड्री मिल जाएगी इजीली क्योंकि बहुत ही अच्छी टाइमिंग की हुई है यहाँ पे जेसन रॉय ने। एंड यस ही विल गेट अ बाउंड्री। और बहुत ही खूबसूरत शॉट थी, इसका रीप्ले अगर आप देखें ना, क्या ही कमाल का चांस था और क्या ही कमाल की बाउंड्री थी। और यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक हो गई, यहाँ पर टीम इंडिया पानी पी रही है और दे ऑल आर एक्साइटेड और विकेट्स लेने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, गेम प्ले को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। रविंद्र जडेजा इज़ नाउ अगेन इनटू द अटैक, लेट्स सी हाउ ही बॉल्स नाउ। एंड रोरी बर्न्स ने इसको ड्राइव किया लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर। जडेजा किस ना किसी तरह से विकेट लेने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद शमी अटैक में आए और ओके व्हाट अ शॉट एंड आई थिंक सो इट्स अ सिक्स। यस इट इज़ इंडीड, बहुत ही अच्छी शॉट। मैं सोच ही रहा था कि ये छक्का होगा क्योंकि फ्रंट फुट पे आके कवर्स के ऊपर से छक्का लगाया। टेस्ट मैच के अंदर बहुत ही पॉजिटिव साइन यहाँ पे शो कर रहे हैं कि इससे पता चल रहा है बॉल बैट पे आ रहा है सही तरह से। जेसन रॉय 49 पे खड़े हैं इस टाइम पे एंड लेट्स सी कि क्या उनकी 50 होती है। काफ़ी अच्छी बॉल एंड दिस टाइम ही विल गेट द 50। और फील्डर आए दूसरे रन की कॉल लेकिन कैंसिल किया, लेकिन 50 कंप्लीट हो गई यहाँ पे जेसन रॉय की। बहुत ही अच्छी इनिंग्स, बहुत ही शानदार इनिंग्स एंड वेल डिजर्व 58 बॉल्स पे 50 बनाई है। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 86 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा रोरी बर्न्स को बॉल करने लगे हैं 35 पे 111 फॉर 0 एंड आई थिंक सो इट्स विकेट, इट्स एज्ड। ओ यस, टीम इंडिया हैज कॉट द विकेट, द मच अवेटेड विकेट हैज फॉलन। सो बिग विकेट फॉर रविंद्र जडेजा बिकॉज द बॉल स्पिन लाइक फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड ही गॉट द विकेट। बहुत बड़ी विकेट मिली है टीम इंडिया को यहाँ पे। 111 रन हो चुके थे, अभी तक कोई विकेट नहीं मिली थी। इसका रीप्ले अगर आप लोग ज़रा देखें कि ये जडेजा आए और उन्हें जडेजा ने बॉल की और अंदर आई बॉल, एज लगा बिल्कुल, जो बैट्समैन थे वो जज नहीं कर सके कितना बॉल स्पिन होगा कितना नहीं होगा, किस एंगल से अंदर आ रहा है। और यहाँ पे बहुत बड़ी विकेट मिली टीम इंडिया को। यहाँ पे अब कोशिश होगी कि यहाँ पे एक से दो विकेटें और गिरा दी जाएँ। और जो रूट आए हैं जो कि कैप्टन है एंड बहुत ही अच्छी बॉल को लीव किया जेसन रॉय ने, 69 पे काफ़ी सेट नज़र आ रहे हैं। अश्विन जो है बॉल कर रहे हैं, कोशिश होगी अश्विन की के विकेट ले लें बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर हैं और काफ़ी अच्छी स्पिन बॉलर हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलर्स इन मॉडर्न डे एरा। बॉल पड़ी और स्पिन हुई एंड बॉल डैम, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, क्या ही बॉल स्पिन हुआ है भाई। मतलब ऑफ स्पिन थी और बैट्समैन कट करना चाहते थे, यू मिस आई हिट हुआ यहाँ पे, मगर यानी बैट्समैन ने मिस की और बॉलर ने हिट किया विकेट को। बहुत ही बड़ी विकेट टीम इंडिया के लिए, एक के बाद दूसरी विकेट टीम इंडिया को। 69 पे जेसन रॉय आउट हुए हैं, जो रूट स्टिल ऑन स्ट्राइक, ईशांत शर्मा इज हेयर एंड बहुत ही अच्छी फ्लिक शॉट, 4 रन, इसे कहते हैं खूबसूरत शॉट। और यहाँ पे बाउंड्री मिली और प्रेशर को अपने ऊपर से उतारा क्योंकि दो विकेटें कटी गिर चुकी थी। और क्या अच्छी बॉल की है, बिल्कुल नहीं समझ सके यहाँ पे बैट्समैन बॉल को कि बॉल अंदर आएगी बाहर आएगी, बस इसी कंफ्यूजन में बोल्ड भी होते होते बचे, एज भी लगता लगता बच गया। एंड जो रूट काफ़ी परेशान, ड्राइव किया बॉल को स्ट्रेट टू द फील्डर, यहाँ पे मिड ऑफ पे फील्डर थे। कोशिश कर रहे हैं जो रूट अपने ऊपर से प्रेशर उतारने की, तो कोशिश उनकी यही होगी कि एक आध बाउंड्री लगा दी जाए इस ओवर में ताकि मजीद प्रेशर जो है वो हट जाए। काफ़ी अच्छी लेंथ, बहुत ही अच्छी शॉट, सीधी शॉट बिल्कुल विकेट के साथ से होती हुई सीधी बॉल गई है, नो चांस फॉर द फील्डर टू स्टॉप दैट वन एंड इट्स अ बाउंड्री। एंड अश्विन आए हैं दोबारा से अटैक में 131 फॉर 2 और देखते हैं जॉस बटलर को क्या बॉल करते हैं। बहुत ही अच्छा सॉलिड डिफेंस बटलर का, 158 फॉर 3 बेस टू आए हैं अश्विन, देखते हैं क्या बॉल करते हैं। अश्विन ने ये बॉल की लेग साइड पे, इन्होंने खेल दिया फ्लिक किया एंड इट विल ओनली बी अ सिंगल, यहाँ पे सिंगल मिलेगा टीम इंग्लैंड को। अब तक इंग्लैंड काफ़ी अच्छा खेल रहा है वैसे एंड बेस्ड ऑन स्ट्राइक,
एंड ही हैज एज द बॉल, बहुत ही बड़ा एज लगा यहाँ पे, बॉल मेरे ख्याल से बाउंड्री चली जाएगी बिकॉज फील्डर्स जो हैं वो काफ़ी दूर थे। एंड 177 for just 3, और यहाँ पे हिट की, काफ़ी अच्छी हिट लगाई यहाँ पे कवर्स की तरफ से जो रूट ने, एंड हिल गेट अ बाउंड्री एज वेल। क्या ही खूबसूरत शॉट खेली थी, मतलब जितनी तरीफे की जाए काम है इस शॉट की। अश्विन जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे 181 for 3, तो अश्विन की कोशिश होगी विकेट लेने की। एंड नो, जो रूट हैज हिट द बॉल फॉर सो हार्ड दैट इट्स गॉन फॉर 6, इस दफा कवर्स के ऊपर बाउंड्री नहीं भाई, छक्का मार दिया यार, क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छी शॉट। और 46 पे जो रूट सेट हो गए हैं काफ़ी, और यहाँ पे सीधा कैच दे दिया कॉट एंड बॉल, बहुत ही बड़ी विकेट अश्विन को मिली यहाँ पे, रविंद्र अश्विन को, सॉरी अश्विन को बहुत ही अच्छी विकेट मिली यहाँ पे। सेट हो गए थे इस ओवर में, पहले उन्होंने एक चौका मारा कवर्स पे, फिर कवर्स पे एक छक्का मारा, इस बार डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे, एच लगा सीधा फील्डर के हाथ में, सॉरी बॉलर के हाथ में, कॉटन बॉल हुआ, अपील यहाँ पे मेरे ख्याल से नॉट आउट होगा, ओके, लेकिन यहाँ पे जो है आउट भी हो सकता है, बिकॉज मुझे भी लग रहा था, इसे फीलिंग आ रही है कि शायद आउट हो। एंड रिव्यू ले लिया है विराट कोहली ने यहाँ पे अश्विन की बॉल पे, और नो बॉल तो बिल्कुल नहीं है, अब देखना ये होगा क्या ये आउट है क्या ये नहीं, थोड़ा सा बाहर है बॉल, काफ़ी बाहर है वैसे इनफैक्ट, और ये नॉट आउट है मेरे ख्याल से, अब देखते हैं। पिचिंग जो है काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर है तो उसका खैर इतना मसला नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो आउटसाइड ऑफ है, तो मेरे ख्याल से ये नॉट आउट ही होगा, और विकेट सेटिंग है तो या दैट इज़ नॉट आउट, सो बिकॉज 3 रेड्स होने चाहिए आउट होने के लिए, और यहाँ पे 2 रेड्स हैं, 2 ग्रीन हैं, सो इट्स नॉट आउट। और यहाँ पे इनसाइड एज लगा, बेन स्टोक्स रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, तीसरे रन की कॉल दी, और तीसरे रन के लिए भागने हैं, रन आउट हो जाएंगे, जी बिल्कुल रन आउट हो गए हैं, डेफिनेटली आउट है। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये जो है रन नहीं बनता था, इन्होंने एम ही रन लिया, और दे हैव लॉस्ट अ वेरी बिग विकेट, और बहुत ही ज़्यादा फॉल ऑफ विकेट तेज़ हो गया टीम इंग्लैंड का यहाँ पे। एंड बेन स्टोक्स इज गॉन, सैम करन इज द नेक्स्ट बैट्समैन, ओके सैम करन को देखना होगा कैसे खेलते हैं अभी, तो बेयर स्टो इज ऑन स्ट्राइक, लेग साइड पे फ्लिक किया, ओके लेग स्लिप पे कैच दे दिया, बल्कि बहुत ही अच्छा कैच लिया यहाँ पे, मेरे ख्याल से लेग स्लिप से काफ़ी दूर मारी थी वैसे तो, जो फ्लिक किया था वो थोड़ा सा एज लगा, लेकिन स्लिप पे फील्डर ने कैच बहुत अच्छा किया, ये रीप्ले आप लोगों के सामने हैं और रीप्ले आप लोग देख सकते हैं, स्लिप ने बहुत अच्छा कैच किया, लेग स्लिप ने काफ़ी दूर आके कैच पकड़ा, और बहुत ही बड़ी विकेट टीम इंडिया के लिए। और क्रिस वोक्स इज द नेक्स्ट मैन इन, एंड पूरी कोशिश करेंगे क्रिस वोक्स जो है स्कोर को काफ़ी आगे लेके जाने की, और लेग साइड पे खेल लिया सिंगल के लिए, मे बी 2, और डबल की कॉल दी, लेकिन फिर उसके बाद कैंसिल कर दी बिकॉज रन आउट हो सकते थे, आगे टीम इंग्लैंड काफ़ी मुश्किल में है, अराउंड 207 रन अभी ट्रेल है। और काफ़ी अच्छा सॉलिड यहाँ पे बॉल को डिफेंड किया सैम करन जो है यहाँ पे, अश्विन को हिट लगाना चाहेंगे या कोई हिट मारेंगे, जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मतलब ड्राइव उन्होंने बॉल को किया एंड स्ट्रेट टू द फील्डर खेला। एंड अश्विन के ओवर की लास्ट बॉल है 44 for 3, एंड डाउन द ग्राउंड ही प्लेड वेल, मेरे ख्याल से ये छक्का होगा, यस बिल्कुल ये छक्का है, बहुत ही अच्छी शॉट। एंड जडेजा इस दफ़ा बॉलिंग करने, और सीधा कैच दे दिया, बहुत ही बड़ी विकेट, सैम करन कट करना चाहते थे इस दफ़े, एच लगा, बॉल काफ़ी टर्न हो रहा है पिच पे, आप लोग देख सकते हैं, कभी बैट पे सही आता है बॉल, मेरे ख्याल से रफ पे पड़ा था बॉल, रफ से अंदर आया पैड से, और विकेट दे बैठे सैम करन अपनी। मोइन अली इज़ द नेक्स्ट मैन इन, एंड काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं इंग्लैंड के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे ये खींच सकते हैं स्कोर को 270-280 तक लेके जा सकते हैं। एंड ओके आगे बढ़े, और स्टंप, बहुत ही अच्छी बॉल, मतलब काफ़ी ज़्यादा बॉल स्पिन हुआ, और बिल्कुल रीड नहीं कर सके कितना स्पिन होगा बॉल, एंड मोइन अली ने अपनी विकेट गवा दी। सो दिस वॉज द हाईलाइट्स ऑफ टुडेज डे, इंग्लैंड वर्सेज इंडिया टेस्ट मैच 2 day 2। एंड यस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेकिन दबा दें, या भाई डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन कर लो, ठीक है, मैं इसी तरह से गेम प्लेस वगैरह बनाते रहता हूँ, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मतलब जो भी सीरीज चल रही होती है क्रिकेट में, बड़ी बड़ी सीरीज। सो या दिस वॉज अ वीडियो, आई होप सो एंजॉयड, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय गाइज़।